कभी सुना है भाई इंटरनेशनल बॉर्डर पर आप पैदल जा रहे हो? हम तो जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है भाई। बाय वॉक, पहली बार किसी बॉर्डर पे जा रहा हूँ। हाँ, वो बेचारे जो है बहुत अच्छा, हमने स्वास्थ्य संभाल किया था जैसे आपने संभाल। वेलकम टू बांग्लादेश भाई। 1 2 3 और ये क्रॉस। हे गाइस, वेलकम टू डिटी व्लॉग्स। तो आज हमारी भारत यात्रा का डे 200, 200 दिन भाई आज फाइनली पूरे हो चुके हैं व्लॉगिंग करते हुए लगातार। एंड भाई आज मजा आ जाएगा पूरा व्लॉग देखना। एंड अभी हम जा रहे हैं भाई सीधा बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, शायद 7-8 किलोमीटर के आसपास है। और मैंने सुना है कि भाई वहाँ पे जो है रोज शाम को 5 बजे परेड होती है, जैसे कि पाकिस्तान बॉर्डर पे भी होती है, हमारे वहाँ बाघा बॉर्डर पे अमृतसर में। चलिए भाई आज चलते हैं बॉर्डर की तरफ और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू 365 डेज ऑफ ड्रीमिंग। तो चलिए चलते हैं। रात को 2-3 बजे तक भाई यहाँ पे हल्ला होता रहा है इस स्टेडियम में। पता नहीं क्या है ये, पर 2-3 बजे तक यहाँ पे पूरा हल्ला हो रहा था। पार्टी वार्टी चल रही थी किस चीज़ की। इससे पहले भाई मेरा एक और भी प्लान था यहाँ पे एक नीर महल नाम की जगह है वहाँ पे जाने का, पर नीर महल भाई यहाँ से तकरीबन 50-60 किलोमीटर दूर है, तो मैंने कैंसिल कर दिया। क्योंकि भाई पहाड़ों में 50-60 किलोमीटर में मैं फंस भी सकता था, क्योंकि अगर पहुँच जाता और वापसी की लिफ्ट ना मिलती तो भाई नुकसान हो जाता। क्योंकि मेरे को यहाँ पे आज परेड ज़रूर देखनी थी, क्योंकि मेरे को बांग्लादेश बॉर्डर ज़रूर देखना था। नीर महल चाहे छूट जाए, वो भी मतलब इसके अजंता पैलेस जैसा ही है, काफ़ी पुराना है, वो पानी के अंदर बना हुआ है, इसलिए उसको नीर महल बोलते हैं। चलो अभी नहीं जा पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी यहाँ से ही चलते हैं। पहले कुछ खाना वाना खाते हैं, कुछ खाया नहीं हुआ, फिर चलेंगे भाई सीधा बॉर्डर की तरफ। खाना खा के हम निकल चुके हैं भाई सीधा बॉर्डर की तरफ, और यहाँ से तकरीबन है 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर। एंड देखते हैं भाई, लिफ्ट नहीं भी मिलेगी तो 10 मिनट में मैं 1 किलोमीटर तो क्रॉस कर ही लेता हूँ, तो आधे घंटे में 3-4 किलोमीटर हो जाएगा। नहीं लिफ्ट मिलेगी तो पैदल ही चले जाएंगे बॉर्डर तक। कभी सुना है भाई इंटरनेशनल बॉर्डर पर आप पैदल जा रहे हो? हम तो जा रहे हैं। दो किलोमीटर से भी भाई कम बचा है बॉर्डर, एंड मैं बाय वॉक ही चल रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ बाय वॉक ही पहुँच जाऊँगा, क्योंकि अभी भी भाई जो टाइम बचा है तकरीबन आधे घंटे से भी ज़्यादा बचा है परेड होने के लिए, और दो किलोमीटर से भी कम है तो भाई मुश्किल से मैं 15-20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। सामने मेरे को दिख रहा है झंडा लहराता हुआ इंडिया का, मज़ा आ रहा है भाई बाय वॉक, पहली बार किसी बॉर्डर पे जा रहा हूँ। यहाँ भाई अभी मैं पहुंच चुका हूँ बॉर्डर के पास, एंड यहाँ पे भाई एक दुकान मिली, भैया आ रहे कहते मनी एक्सचेंज करवा लो। मतलब यहाँ पे शायद बाय फुट भी भाई आप क्रॉस कर सकते हो, बांग्लादेश के सर तरफ जा सकते हो, पर हमें जाना नहीं है, मैं सिर्फ देखने आया हूँ। सामने मेरे सामने गेट है जो कि बांग्लादेश की तरफ दिख रहा है मेरे को, सारा कुछ बांग्लादेश का भी, पर नहीं हम क्रॉस नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे भाई परेड देखने के लिए आए हैं। परेड देखेंगे और आपको दिखाएंगे भाई, क्योंकि आप सब ने भाई नॉर्दर्न साइड में बाघा बॉर्डर की परेड तो देखी होगी, पर किसी ने भी भाई आज तक बांग्लादेश की ये परेड नहीं देखी होगी। चलो वो आज दिखाते हैं आपको। चलो भाई चलते हैं। पूरा घूमना है बाइक से? बाइक से? बाइक से तो मेरे को बहुत लोग मिलते हैं घूमने वाले। हाँ बढ़िया है। हाँ, वो बेचारे जो है बहुत अच्छा, हमने स्वास्थ्य सवाल किया था जैसे आपसे सवाल। जी जी जी, आप वीडियो मत। वेलकम टू बांग्लादेश भाई, ये देखो बॉर्डर लाइन, उस तरफ बांग्लादेश और इस तरफ इंडिया। आज भाई यहाँ पे परेड तो नहीं है वैसे, क्योंकि भाई सैटरडे संडे को होती है, मुझे भी अभी पता चला, पर आप मेरे पीछे सकते हो जो पीछे का सारा एरिया है वो है भाई बांग्लादेश का एरिया, और अभी हम हैं भाई इंडिया में। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, अभी मैं एक पैर वहाँ पे रख के देखता हूँ, अगर पुलिस वाले मेरे को कुछ बोलते नहीं है तो एक पैर उस तरफ रख के, एक पैर इस तरफ रख के एक फोटो करवाएंगे भाई, क्योंकि मैंने आज तक ये कभी नहीं किया, मेरी ये चेक लिस्ट में है, तो ट्राई करके देखते हैं भाई, बहुत मज़ा आने वाला है। मैं पहली बार किसी और कंट्री में पैर रखने वाला हूँ। तो भाई आज मैं बाय वॉक जाने वाला हूँ किसी और कंट्री में। ये सामने आप जीरो लाइन देख रहे हैं बॉर्डर की, ये देखो भाई 1 2 3 और ये क्रॉस। सामने देखो कंट्री कौन सी है, बांग्लादेश। सो गाइस फाइनली अभी हम पहली बार किसी इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके वापस आए हैं। दोनों पैर मैंने उस तरफ रख दिए थे, पहले मैंने भाई पर पूछा आर्मी वालों से, मैंने कहा सर कि एक पैर रख दो उस तरफ, कह रहे दोनों रख दो, भाग के आ जाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई इंडियन आर्मी पूरी मस्तियाँ कर रही है यहाँ पे, मेरे को कहते हैं भाई क्रॉस करो, जाओ आराम से पूरा क्रॉस करके भाग के आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मेरे पास भाई थोड़ा दिक्कत है इस चीज़ की कि हमारे पास ना पासपोर्ट नहीं है, तो इसी वजह से भाई मैं उस तरफ ज़्यादा गया नहीं। तो यहाँ पे वैसे अलाउड है, आप पासपोर्ट दिखाओ और उसके बाद आप मतलब सुबह जाकर शाम को वापस आ सकते हो, मेरे को बताया भाई आर्मी वाले भैया ने। तो बढ़िया चीज़ है भाई, पहली बार कोई इंटरनेशनल बॉर्डर पे आए थे, मतलब आए वैसे गए तो आए, चाइना बॉर्डर पे भी गए हैं, पाक बॉर्डर पे भी गए हैं, पर जीरो लाइन को क्रॉस कभी आज तक नहीं करा, पहली बार करा, काफ़ी अच्छा लगा, मज़ेदार। एंड साथ मतलब आप अकेले नहीं जा सकते, आपके साथ एक आर्मी मैन ज़रूर जाएगा आपको वहाँ पे दिखाने के लिए, जैसे हमारे साथ एक सर गए थे जिनके साथ हमने आपको वीडियो दिखाई थोड़ी सी। तो चलो भाई अब वापस चलते हैं, मेरे को भाई वहाँ पे जाके ना पसीना आ रहा था, पता नहीं क्यों पर था भाई नर्वस। तो भाई बढ़िया बातचीत करी भाई आर्मी वालों से, BSF की ड्यूटी है यहाँ पे, एंड भाई पूरा हम बॉर्डर की उस साइड भी जाके आए,
अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया। चलो अभी चलते हैं बाय वॉक की शहर के अंदर। आर्मी ने भाई मुझे पूरा बताया कि कैसे कैसे अंदर चेकिंग होती है, मतलब अगर उधर से कोई बंदा आ रहा है तो उसको अपना जो है पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा, इधर से भी जो जा रहा है उसको पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। बाय वॉक आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो पर पासपोर्ट वगैरह दिखा के सामान लेके जा रहे हो, पूरी चेकिंग वगैरह होगी। अगर भाई ट्रक से कोई सामान ट्रांसपोर्ट होता है तो वो ऐसे होता है कि इधर से कोई ट्रक जाएगा एंड जीरो पॉइंट तक जाएगा, मतलब इंडिया साइड पे ही वो अनलोड करेगा जीरो पॉइंट पे, एंड बांग्लादेश की साइड से एक ट्रक आएगा जो उसको लोड करेगा एंड उसको भाई बांग्लादेश लेके जाएगा। ट्रक इधर उधर नहीं जाएंगे, जैसे इधर का ट्रक कभी बांग्लादेश नहीं जाएगा, बांग्लादेश का ट्रक कभी इंडिया में नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब लोडिंग अनलोडिंग होती रहती है, काफ़ी सारी चीज़ें भाई भैया ने बताई कि ऐसे ऐसे भाई यहाँ पे सीन चलता है। और भैया जो थे भाई जम्मू से थे, जो अभी मैंने यहाँ पे मिले मेरे को, एंड उन्होंने काफ़ी बताया कि भाई बड़ी मुश्किल होती है यहाँ पे सर्वाइव करना, क्योंकि मेरे को कोई जम्मू साइड का या पंजाब साइड का मिलता नहीं है। तो उनको आज मैं मिला भाई, उन्होंने बहुत दिल खोल के मेरे से बातें करी। अभी हम बाय वॉक ही वापस जाएंगे यहाँ से सीधा अपनी स्टे की तरफ, साथ में मार्केट दिखाते हैं और कुछ बातें करते हैं कि भाई वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा। हाँ जी, हाँ जी, नहीं मिला, एक मिनट दो, हम ढूंढते हैं। अच्छा वाह, एक मिनट, उल्टी साइड होगी शायद बोर्ड के सामने। कितना ये है, 1.6 के होने वाला है। कहाँ का हो? पंजाब। आप यहीं से? हाँ। तो बॉर्डर पे रह के अजीब से नहीं लगता? कहाँ पे वाजिब सा? सब ठीक है, सब ठीक मजे में। चलो बढ़िया बढ़िया, चलो नहीं तो बॉर्डर पे काफ़ी जो इंटरनेशनल बॉर्डर होता है थोड़ा गर्म रहता है ना, ये तो ठंडा ही है, यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा, ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ ठीक ठाक ही है, बढ़िया ना। बांग्लादेश छुट्टी है ना? हाँ हाँ, अभी जाके आया हूँ बांग्लादेश की तरफ। अच्छा चलो सही है, लोग आते जाते रहते हैं, अभी भी मैं देख के आया हूँ कम से कम 5-6 लोग तो जा रहे हैं अपने इंडिया के उस तरफ। जय श्री राम भाई, जय श्री राम, जय श्री राम। पैदल जा रहे थे भाई, एक ऑटो वाले भैया लिफ्ट दे दिया हमें, IGM मतलब ये मान सकते, नहीं नहीं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, तकरीबन भाई 2 किलोमीटर के लिए भाई लिफ्ट दे दिया और वहाँ से 1 किलोमीटर बचेगा अपनी स्टे। थोड़ा मार्केट घुमाएंगे आज आपको, और क्योंकि भाई ज़्यादा दूर हम गए नहीं, क्योंकि आपको पता ही जैसा कि भाई जाऊँगा तो वहाँ पूरा दिन लग जाता है मेरे को, कि यहाँ पे मंदिर है और एक नीर महल था वहाँ पे जाना था मेरे को, पर बहुत दूर है, कम से कम 1.5 घंटा लगेगा जाने में और 1.5 घंटा आने में, पूरा दिन वहाँ पे चला जाएगा। अगर लिफ्ट नहीं मिली तो भाई वहाँ फंस भी सकता हूँ। ऑटो वाले भैया ने भाई काफ़ी आगे छोड़ दिया, यहाँ से हमारा बचता है तकरीबन 700-800 मीटर ही बचता है, वैसे तो स्टे पे जाना नहीं है अभी, अभी थोड़ा बाहर घूमेंगे, अभी टाइम तो कुछ भी नहीं हुआ, शायद 5-6 बज रहे होंगे, तो इतनी जल्दी हम घर पे जाके क्या ही करेंगे, 6 बज रहे होंगे इस टाइम पे पक्का, क्योंकि 5 बजे तो परेड होने वाली थी। और भाई अब आपको बता दूँ कि मैंने यूट्यूब पे जो देखा था कि वो बता रहे थे कि रोज़ परेड होती है यहाँ पे इस बॉर्डर पे, पर ऐसा नहीं है भाई, मेरे को BSF ने बताया, आर्मी ने बताया यहाँ पे भाई कि जो परेड है वो सिर्फ सैटरडे और संडे को होती है, बाकी दिन नहीं होती है। सो ये मिस्टेक मैंने करी, आप मत करना भाई, क्योंकि मैं आज चला गया था, आज जो दिन है वो है थर्सडे, और थर्सडे को यहाँ पे कोई परेड नहीं होती, कुछ नहीं होता, पर आप जाके भाई बॉर्डर देख सकते हो जैसे मैंने देखा, और वो भी आप अकेले नहीं देख सकते, आपके साथ आर्मी जाएगी, वो तो चलो बढ़िया बात है, सिक्योरिटी रहती है। मैंने उनको बोला कि भाई मैं एक पैर उस तरफ रख के फोटो खिंचवा लूँ, आर्मी वाले को मैंने बोला, आर्मी वाले भैया कहते एक पैर क्यों रखना भाई, जा 100 मीटर की स्प्रिंट मार के आ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बांग्लादेश वाले कुछ नहीं कहेंगे, हमारे यार दोस्ती है, पूरा खुल के बात कर रहे थे भाई, बहुत मज़ा आया वहाँ पे उनसे बात करके भी। ये भाई यहाँ की मेन मार्केट, आपको यहाँ पे भाई बढ़िया से बढ़िया खाना भी मिल जाएगा सस्ते प्राइस में, और बेकार से बेकार खाना भी मिल जाएगा महंगे प्राइस में, और हर चीज़ भाई इसी के आसपास मिल जाएगी आपको, मेन हॉस्पिटल्स, ATMs, बैंक, खाने की दुकानें, शॉपिंग की दुकानें, बड़ी बड़ी मार्केट्स जो भी है भाई इसी के आपको आसपास मिल जाएगा, जो ये आपको इसमें सर्कल दिख रहा है। मार्केट से वापस हम अपने रूम में तो आ गए थे भाई, एंड खाना पीना खाने के लिए वापस जा रहे हैं नीचे की तरफ, एंड भाई जैकेट पहन के मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि मेरी जो बॉडी है काफ़ी ज़्यादा सूख चुकी है ट्रैवल कर करके भाई, मेरा जो भार है वो 15 kgs लूज़ हो गया है, ये तो भाई एक फ़ायदा हुआ मुझे क्योंकि मेरा 100 के आसपास का वेट था, एंड अभी जो वेट है भाई वो है 85, एंड ये तो अच्छा हो गया भाई, अगर किसी को भाई वेट लूज़ करना तो जल्दी जल्दी जाके ट्रैवल करना शुरू कर दो, आपका वेट अपने आप लूज़ होना शुरू हो जाएगा। तो चलो भाई अभी बाहर चलते हैं खाने पीने के लिए, एंड एक बात और बोलना चाहूँगा भाई, चाहे आज का व्लॉग थोड़ा छोटा होगा पर भाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मेरी चेकलिस्ट में से एक और चीज़ आज चेक हो चुकी है, मैं किसी और कंट्री में भाई पैर रख के वापस आया हूँ, चाहे पैर रखा है किसी दिन भाई फ्लाइट में बैठ के भी जाएंगे, तो चलो भाई चलते हैं अभी खाना पीना खाने के लिए। खाना पीना डन भाई, जो एज यूजुअल खा रहे हैं वही 60-65 रुपये वाला वही खाया हमने आज भी, एंड वापस आ चुके हैं अपनी स्टे पे। चलो भाई अंदर चलते हैं। जब भाई मैं बॉर्डर पे गया था तो भाई मैं उस टाइम पे शिवर कर रहा था, मेरे को पसीना आ रहा था उस टाइम पे, क्योंकि मैं पहली बार किसी कंट्री में भाई, मैंने किसी दूसरी कंट्री में पैर रखा, और मेरा ये सपना है भाई कि पूरा वर्ल्ड घूमना है, तो वो सपना मुझे सामने दिखाई दे रहा था कि जल्दी होने वाला है शायद, आप लोगों की सपोर्ट बनी रहेगी तो भाई सो वो सपना भी जल्दी ही पूरा होगा कि हम पूरा वर्ल्ड घूमेंगे, एंड आपको पूरा वर्ल्ड दिखाऊंगा भाई अपने वीडियोज़ के थ्रू।
तो चलिए आज का ये ब्लॉग यहीं तक था, खाना पीना हमारा हो चुका है। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो जल्दी आएगा वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।